दोस्तों यहाँ एक महिला जो कि एक बूढ़ी अम्मा को घर से बाहर निकाल रही होती हैं, लेकिन वे बूढ़ी अम्मा घर से बाहर जाना नहीं चाहती। वे बूढ़ी अम्मा उस महिला के पैर छूती हैं और उनसे कहती हैं कि वह उसे घर से बाहर ना निकालें, लेकिन वह महिला जबरदस्ती उन बूढ़ी अम्मा को घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। दरअसल दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि वह महिला उन बूढ़ी अम्मा के बेटे की बहू होती है और उन बूढ़ी अम्मा का बेटा भी वहीं पास में बैठा होता है और अपनी पत्नी के साथ साथ उन अम्मा का बेटा भी उन्हें घर से बाहर जाने के लिए कहता है। वे बूढ़ी अम्मा अपने बेटे और बहू से हाथ जोड़कर कहती हैं कि वह उसके साथ ऐसा ना करें, बल्कि वह भी उस घर के अंदर रहना चाहती है। लेकिन दोस्तों अफसोस है कि अब उन बूढ़ी अम्मा का बेटा और बहू उन्हें बोझ समझ रहे हैं और अब वे उन बूढ़ी अम्मा को अपने साथ रखना नहीं चाहते। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है। वह महिला जबरदस्ती उन बूढ़ी अम्मा का हाथ पकड़कर उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन बार बार वह बूढ़ी अम्मा उनके आगे हाथ जोड़ती है और वे बूढ़ी अम्मा वहां से नहीं जाती। अफसोस होता है कि उन बूढ़ी अम्मा का बेटा भी उन्हें अपने पास नहीं रखना चाहता। यह सिलसिला काफी देर तक ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन दोस्तों इतने में तभी थोड़ी देर बाद वहां पर एक आर्मी मैन आते हैं। वहां पर वे आर्मी मैन आने के बाद सारी घटना की जानकारी लेते हैं। वे बूढ़ी अम्मा उन आर्मी मैन को सारी घटना के बारे में बताती है। वे आर्मी मैन उस महिला को ये सब करने के लिए मना करते हैं। वे समझाते हैं कि अब इस उम्र में उन बूढ़ी अम्मा को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए, लेकिन वह महिला उन आर्मी मैन की बात भी नहीं मानती। इतने में तभी उन बूढ़ी अम्मा का बेटा वहां पर आता है। उन बूढ़ी अम्मा का बेटा उन आर्मी मैन से कहता है कि यह हमारे घर का मैटर है और तुम्हें हमारे घर के मसले में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। वह व्यक्ति उन आर्मी मैन को वहां से जाने के लिए कहता है, लेकिन वे आर्मी मैन वहां से नहीं जाते और उन बूढ़ी अम्मा के बेटे को बार बार समझाते हैं कि यह सब ठीक नहीं है, लेकिन उन बूढ़ी अम्मा का बेटा और बहू इस सब बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते और वे उन आर्मी मैन को बार बार वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब काफी समय बीत जाता है और वह उन बूढ़ी अम्मा का बेटा और बहू उन आर्मी मैन की बात नहीं मानते, तो उन आर्मी मैन को काफी तेजी से गुस्सा आ जाता है और वे उन बूढ़ी अम्मा के बेटे की इस गलती के लिए उनके जोर से एक चपत धरते हैं और इसके बाद वे फिर से समझाते हैं कि ये सब काफी गलत है, क्योंकि वह माँ जिसने हमें किसी भी परिस्थिति में अकेला नहीं छोड़ा और जब भी हम पर कोई दिक्कत या परेशानी आई तो उस माँ ने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा और आज जब उन बूढ़ी अम्मा को हमारी जरूरत है तो हम उन बूढ़ी अम्मा को बोझ समझकर उन्हें अकेला छोड़ रहे हैं। दोस्तों ये सब सच में काफी गलत है, क्योंकि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है तो बस एक माँ और बाप ही होते हैं जो हमेशा साथ होते हैं। दोस्तों सच में हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों सच में जब हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाए तो हमें अपने बेटे होने का फर्ज निभाना चाहिए और कभी भी अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। और कोई अगर आपके आसपास का ये सब गलती कर रहा है तो उसे समझाइए कि बुढ़ापे में अपने माँ बाप को छोड़ना सबसे बड़ा पाप है। खैर दोस्तों आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वीडियो केवल नॉलेज पर्पस के लिए बनाई गई है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।